हमें किष्किंधा चलना चाहिए बाली जी के पास। माता लक्ष्मी का कथन सत्य था, तुम विजयी हुए मारुति। मैं जा रहा हूं अंजन प्रदेश उस निकृष्ट ब्राह्मण और उस केसरी को बताने के लिए कि अभी तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। मैं जीवित हूं, अभी मैं जीवित हूं। आप लोग इस तरह एक साथ झुंड में कहां जा रहे हैं? हम लोग अंजन प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं महाराज बाली। परंतु क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रदेश त्यागने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। महाराज बाली, जिस राज्य के राजा की पत्नी और उसके मित्र उसे छोड़कर चले गए हो एवं उसने अपने सगे संबंधियों को निकाल दिया हो, द्यूत में इतना मगन रहता हो कि उसे अपनी प्रजा की बिल्कुल चिंता नहीं, तो उस राज्य में भला कोई कैसे रह सकता है महाराज बाली? मैं समझ गया हूं आप सबके दुखों के कारण को, किंतु अब आप सबको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही इस राज्य को छोड़ के जाने की आवश्यकता है। अब मैं आ गया हूं, अब अंजन प्रदेश फिर से व्यवस्थित हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सबको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्षमा करें महाराज बाली, किंतु आप तो किष्किंधा के राजा हैं, महाराज केसरी के मित्र हैं, इस नाते आप यहां के अतिथि हुए ना? हाँ महाराज, महाराज केसरी भी आपकी बात नहीं मानेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें क्षमा करें तथा हमें जाने दें। प्रणाम। तुम इस निर्जन वन में अकेले क्या कर रहे हो? हे साधुदेव, मैं तो जा रहा हूँ सिद्धि लोक, किंतु मार्ग भटक गया हूँ। कब पहुँचूंगा, कैसे पहुँचूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हे वानर बालक, अपनी आत्मा की वाणी सुनो, उसी का अनुसरण करो, वो तुम्हें जिस दिशा में लेकर जाए उस दिशा में जाओ, तुम सिद्धि लोक अवश्य पहुँच जाओगे। बताने के लिए आपका पुनः धन्यवाद साधुदेव, एक कृपा और करें मुझ पर। अवश्य, बोलो। मुझे प्यास लगी है, इधर कहीं आसपास कोई जलाशय अथवा नदी है क्या? हाँ है, उस ओर एक नदी है, थोड़ी दूर जाओगे तो मिल जाएगी। धन्यवाद साधुदेव, मार्ग बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अति शीघ्र अष्ट सिद्धियों की परीक्षा में सफल हो उन्हें सिद्ध कर लेंगे तथा उनके दाता बन जाएंगे। नारायण नारायण। अरे कौन रो रहा है? पूर्व की भांति यहाँ भी कोई विपदा की मारी है, देखना होगा चलकर, संभवतः उसे भी सहायता की आवश्यकता हो। चलो मारुति चलो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानव धर्म का बलिदान तो नहीं कर सकता ना? क्या हुआ माता?
आप इतना विलाप क्यों कर रही हैं? विलाप न करूं तो क्या करूं? जिस दुखियारी माँ की वर्षों की कठिन सेवा एवं साधना के बाद उसकी सुनी गोद भरी हो, जो इकलौता पुत्र उसके जीने का सहारा हो, उसका धन हो, उसका सब कुछ हो, वो अभागिन माँ अपने आंखों के सामने अपने पुत्र की मृत्यु देख रही हो, तो वो विलाप नहीं करेगी? अपने जीवन का अंत करने का निर्णय नहीं लेगी? बोलो तो क्या करेगी? आज सूर्य अस्त होते ही मेरे पुत्र की आयु समाप्त हो जाएगी। मेरा लाल मुझसे पिछड़ जाएगा। मेरा लाल मुझसे दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला जाएगा। तब ऐसे में मेरे जीवन का क्या अर्थ रह जाता है? मैं भी त्याग दूंगी अपना जीवन, अपने लाल के साथ साथ मैं भी चिता पर चढ़ जाऊंगी। अंत कर दूंगी अपने जीवन का अंत। हाँ लाल, तुम्हारे बिना मेरा कौन सहारा है? किसके सहारे जीऊंगी मैं? किसके सहारे? भविष्य में क्या होगा
वो कौन जानता है? हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं अतीत जानती हूँ और भविष्य की नींव अतीत की शिला पर खड़ी है। स्वीकार करता हूँ मैं आपकी बात को, किंतु एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि नियति अथवा विधि जो कह ले हमें वही प्रदान करती है जिनकी ओर हमारा मन हमारा चित आकृष्ट होता है अथवा जिनके विषय में हम अत्यधिक सोचते हैं। मेरे पुत्र की मृत्यु नियत है और आज सूर्यास्त होते ही उसके प्राण निकल जाएंगे और उसके साथ साथ मेरे भी। सच में कहीं ऐसा हो गया तब तो भारी अनर्थ हो जाएगा। पुत्र मोहवश यदि ये माता अपना जीवन जानबूझकर त्यागे तो ये तो विधि के नियमों के विपरीत होगा, अनुचित करेंगी ये। मुझे कुछ करना होगा। माता, आप अपने मन से समस्त चिंताओं को निकाल दें, आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। मुझे पता तो नहीं है कि आपके पुत्र की कितनी आयु शेष है, किंतु मैं अंजन पुत्र मारुति आपको यह वचन देता हूँ कि आपके पुत्र की आयु से पहले मृत्यु नहीं होगी। किंतु मैं अंजन पुत्र मारुति आपको यह वचन देता हूँ कि आपके पुत्र की आयु से पहले मृत्यु नहीं होगी। तथा ये सूर्यास्त के बाद भी जीवित रहेगा। अरे बाली, आओ मित्र, आओ बैठो। तुम्हें यहाँ देखकर क्या सुखद अनुभूति हो रही है ये तुम्हें पता नहीं, किंतु जो भी है मित्र, आए हो तुम ठीक समय से हो। माया नृत्यांगना के नृत्य का आनंद लो। इनका नृत्य देखकर आनंद विभोर नहीं हो गए तो कहना, मंत्रमुग्ध हो जाओगे। हाँ, ऐसा नृत्य करती है ये माया। इन्होंने मेरा जीवन बदल दिया है मित्र। मेरे उजड़े जीवन में, रसहीन जीवन में इंद्रधनुष की छटाएं बिखेर दी हैं। केसरी, मेरे साथ आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बात बाद में कर सकते हैं। कुछ समय पश्चात नहीं केसरी, अभी इसी क्षण मुझे तुमसे बात करनी है। तुम बड़े हठी हो बाली, चलो। देवी, तब तक तुम विश्राम करो, थक गई होगी। हम अपने मित्र से बात करके शीघ्र ही आते हैं। दिया तुमने बाली, घोर अनर्थ को आमंत्रण दे दिया तुमने। गलत समय पर आकर तुमने राहु के मनोरथ के चौसर पर खेले जा रहे खेल में विघ्न की चाल चल दी। सावधान, यदि रंग में भंग डालने की चेष्टा की तो याद रखना मैं तुम्हारी भी वही दुर्गति करूंगा जो तुम्हारे मित्र इस केसरी का करने वाला हूँ। स्मरण रहे, कारण मैं राहु हूँ, राहु क्रूरता का पर्याय, राहु। तुमने क्या किया पुत्र? प्राण, आपके पुत्र को सकुशल जीवित रखने का प्राण। जो संभव नहीं है
उसके लिए प्रण नहीं लिया जाता है। असंभव कार्य हेतु संकल्प नहीं लिया जाता है पुत्र। मुझे विश्वास है मेरा संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। नहीं होगा, नहीं होगा पुत्र। मेरे पुत्र की मृत्यु निश्चित है, अटल है। माता, इन बातों का परिणाम समय पर छोड़ दीजिए। समय निर्णय करेगा कि मेरी आशा पूर्ण होगी या आपकी आशंका। एक बात बताइए। पूछो। आपके पुत्र को क्या हुआ है? देखने से तो स्वस्थ दिख रहा है, तो ऐसी क्या व्याधि है जिसे कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता है? मारुति, वैद्य व्यक्ति की व्याधि का उपचार कर सकता है, ना कि व्यक्ति की आयु का उपचार अथवा आयु की वृद्धि। माँ, मुझे अभी मृत्यु आने वाली है। आई नहीं है, अब तक मैं जीवित हूँ, तुम्हारे पास हूँ। हाँ पुत्र, हाँ। माँ, मैं जानता हूँ कि आज मेरी आयु समाप्त हो जाएगी, पर फिर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मालूम है क्यों? नहीं पुत्र, नहीं। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। तुमने इतना श्रेय दिया है मुझे कि मेरा मन तृप्त हो गया है। पुनः जन्म लेने की अब इच्छा ही नहीं रह गई है। किसी की दोबारा संतान बन धरती पे आने की आकांक्षा समाप्त हो गई है। माँ, ऐसी अनुभूति हो रही है कि जैसे मेरे तुमसे जन्म जन्मांतर का स्नेह अपने हृदय में बटो लिया है। यदि किसी की माँ हो तो तुम जैसी हो। माँ, मेरा पुत्र। माँ, मुझे भूख लगी है। मैं अभी आहार लेकर आता हूँ। किंतु तुम क्यों मेरे लिए आहार की व्यवस्था करोगे? क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। और हाँ, अभी तुम प्रसन्न रहो तथा अपनी माँ को भी प्रसन्न रखो और निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या सच में मुझे कुछ नहीं होगा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या मैं और जी पाऊंगा? हाँ। तब मैं अपनी माँ के साथ और दिन बिता पाऊंगा। हाँ। तुम सच में एक बहुत अच्छे मित्र मारती, बहुत अच्छे। अपने जीवन के अंतिम समय में मैं तुम्हारी मित्रता पाकर धन्य हो गया मारुति। हाँ, बहुत दिनों तक साथ समय बिता पाओगे। तुमने यहाँ अंधेर क्यों मचा रखी है? आरोप लगाकर जामवन काका को राज्य से बाहर निकाल दिया, निरंजना के ऊपर आरोप लगाकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। मैं पूछता हूँ, ये कौन सा तुम्हारा राज्य धर्म है? किस तरह से तुम राज कर रहे हो यहाँ? मैं आपका सम्मान करता हूँ और कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इसका अर्थ कदापि नहीं है कि तुम मुझे राज करना सिखाओगे। एक बात सुन लीजिए, मैंने वही किया है जो एक राजा को करना चाहिए। जामवंत ने हमारे और हमारे राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, इसी कारण हमने उसे निष्कासित कर दिया। रही बात अंजना की, तो अंजना को हमने नहीं निकाला, अपितु वो स्वयं इस राज्य और इस राजमहल को छोड़कर चली गई। हमने तो उसे धर्म पर चलने के लिए कहा था, किंतु उसने हमारी आज्ञा नहीं मानी और वो यहाँ की राजा बन बैठी। उसने हमारे अतिथियों का अपमान किया और जब हमने उससे क्षमा मांगने को कहा तो वो दंभी स्त्री राज्य छोड़कर चली गई। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, जाए तो जाए। बाली, तुम भी तो किष्किंधा के राजा हो। यदि तुम्हारे राज्य में कोई षड्यंत्र करेगा तो तुम अपनी राज्य की सुरक्षा हेतु क्या करोगे? वही करोगे
जो मैंने उस विश्वासघाती जमवंत के विरुद्ध किया? हो सकता है केसरी कि तुमने वही किया जो तुमने देखा, किंतु तुम्हारे समक्ष झूठ को सच बनाकर प्रस्तुत किया गया है और ये सत्य है, क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम वही केसरी नहीं हो जो तुम पहले थे। मैं तुम्हारा किन शब्दों में धन्यवाद प्रकट करूं मारुति? धन्यवाद पाने हेतु मैंने ऐसा क्या कार्य कर दिया माँ? अनमोल रत्नों को अपने मूल्य का थोड़ी ना पता होता है। तुमने क्या किया है ये सिर्फ एक माँ का हृदय ही जानता है पुत्र। और आपका ये पुत्र केवल अपना धर्म जानता है। ये धर्म का ही तो परिणाम है। एक अभागन माँ जो अपने पुत्र के मुख पर इतनी प्रसन्नता देख रही है, काश कि ये पल ही ठहर जाता और मैं अपने पुत्र के साथ और समय व्यतीत कर सकती। आप चिंता क्यों कर रही हैं माता? मैंने कहा ना आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। काश कि तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए। माँ आपको ये कैसे पता चला कि आपके पुत्र की मृत्यु आज ही होने वाली है? बहुत वर्ष पहले की बात है, मेरे तथा मेरे पति के भाग्य में संतान सुख नहीं था। इस क्रूर सत्य से व्यथित एवं निराश होकर हम पति पत्नी एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने की मंशा से वन में चले गए। वहां हम एक ऋषि के आश्रम में गए। पति पत्नी ऋषि की सेवा में तन मन से अर्पित हो गए। बहुत सेवा की हमने उनकी। वत्स, गत 5 वर्षों से तुम दोनों ने निरंतर और निस्वार्थ रूप से मेरी सेवा की है। मैं तुम दोनों की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। कहो, अपने मन की इच्छा कहो। वर्षों से एक ही कामना है कि हमारी गोद में हमारी संतान किलकारी भरे, किंतु हमारा दुर्भाग्य कि विधाता ने हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। यह सत्य है कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, लेकिन इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। तुमने संतान की इच्छा लेकर मेरी सेवा की है, इसलिए तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।
किंतु कैसे ऋषिवर? क्या ऐसा होगा तो विधि का विधान नहीं बदलेगा? और क्या सृष्टि का नियम खंडित नहीं होगा ऋषिवर? नहीं, मैं तुम्हारी मनोकामना बिना विधि के विधान को बदले और बिना सृष्टि के नियम को खंडित किए ही पूर्ण करूंगा। कैसे ऋषिवर? असंभव। ये संभव कैसे होगा? मैं अपनी शेष आयु तुम लोगों को दे दूंगा। अभी मेरी आयु 11 वर्ष शेष है और ये अपने 11 वर्ष मैं अपने शरीर के सूक्ष्म रूप से तुम्हारे गर्भ में स्थापित करूंगा और समय अनुसार मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। किंतु इस दान में सिर्फ एक ही दोष है, इस आयुदान के विधि से ना तो विधि का विधान बदलेगा और ना ही सृष्टि का नियम खंडित होगा। इस दान की हानि यह है कि तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 11 वर्ष की ही होगी एकादश वर्ष पूर्ण होते ही सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यदि इतनी अल्प आयु के लिए तुम्हें संतान का सुख चाहिए तो कहो। ऋषिवर, कम से कम 11 वर्ष तक तो मेरी ममता रहेगी। हमें स्वीकार है। इस प्रकार उस सिद्ध ऋषि ने अपने जीवन के 11 वर्ष के रूप में ये संतान हमें दे दी। किंतु सदैव हमें इस बात का भय रहता था कि 11 वर्ष पूर्ण होते ही हमारा पुत्र हमसे बिछड़ जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अंततः आज वो वर्ष पूर्ण हो रहा है, 11वां वर्ष, दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष। मैं तो केवल इसी लालसा में जी रही थी कि कम से कम 11 वर्ष तक तो मेरी ममता की तना हरी रहेगी, किंतु अब नहीं रहेगी। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि अपने पुत्र के साथ साथ मैं भी अपने जीवन का अध्याय समाप्त कर दूंगी, जिसके सहारे, जिसके लिए जी रही थी। जब वही नहीं होगा तो किसके लिए जीऊंगी? इस संसार में लोग जानते हुए भी कि मृत्यु अटल है, सब निश्चिंत हैं, जीवन का मोह नहीं छोड़ पाते, किंतु आप अपने पुत्र हेतु अपना जीवन त्याग रही हैं। मारुति, अब मैं तनिक अपने पुत्र को प्रेम करके अपनी छाती से लगा लूं। माँ पुत्र का ये प्रेम संसार में दुर्लभ है। मैं अपने रहते प्रेम के इस बंधन को टूटने नहीं दूंगा। हाँ।
तक यही प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपको एक बार पुनः वचन देता हूँ कि आपकी संतान को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी आता हूँ। देवर्षि, प्रभु ने ये क्या निर्णय ले लिया, ये जानते हुए भी कि उसके पुत्र की मृत्यु अवश्यंभावी है। प्रभु ने उसकी माता को उसके जीवन रक्षा का वचन दे दिया। इस प्रकार तो प्रभु ने विकट समस्या उत्पन्न कर दी, क्योंकि जो संभव ही नहीं है प्रभु ने उसका वचन कैसे दे दिया। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, यही तो मेरे प्रभु की माया है। और अब जो उन्होंने वचन दे ही दिया है तो वो अपना वचन अवश्य पूरा करेंगे। नहीं पूरा होगा, निष्फल हो जाएगा ये वचन। क्योंकि उसकी मृत्यु निश्चित है, वचन निष्फल हो जाएगा। आज सूर्यास्त होते ही यमराज के दूत उसके प्राण हरने आ जाएंगे। यही विधि द्वारा निर्धारित है, यही विधि का विधान है देवर्षि। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, अभी सूर्यास्त तक का समय बाकी है मेरे प्रभु के पास, और संभव है कि वे विधि का विधान ही बदल दें। और फिर नहीं, ये नहीं हो सकता। इससे पूर्व कि प्रभु कुछ करें, मैं यमराज को आदेश देकर इस बालक के प्राण को अभी हर लेता हूं। अभी हर लेता हूं देवर्षि। बहुत बदल गए हो मित्र, बहुत बदल गए। महाराज केसरी, आपके मित्र महाराज बाली ही आपसे मिलने हेतु इतनी दूर से आए हैं, तो क्यों ना इनके स्वागत में इनका मनोरंजन किया जाए। हाँ चलिए महाराज, नृत्यशाला में चलिए, वहाँ आपके मनोरंजन हेतु समस्त व्यवस्थाएं उपलब्ध है। हाँ अर्थात सब कुछ उपलब्ध है। हाँ हाँ ब्राह्मण देव, अब रास तो होगा ही, अवश्य होगा। रास भी होगा तथा वाद्य भी बजेगा और नृत्य भी होगा। किंतु अंतर इतना होगा कि अब तक मेरा मित्र केसरी नाच रहा था, अब तुम नाचोगे और तुम ही बजाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी समस्त योजनाएं विफल हो जाएं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा देवराहु। आप तनिक भी सशंकित मत होइए, मैं हूं ना, एक से भले दो। जिस प्रकार आपने केशरी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, उसी प्रकार हम ये किष्किंधा महाराज बाली की बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। बस इतना ही तो करना है हमें। बाली की मति भ्रष्ट करना इतना सहज नहीं है माया। तुम जानती नहीं हो उसे कि वो कौन है, कैसा है। वो इस संसार का सबसे बलशाली व्यक्ति है। उसे इस संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, स्वयं इंद्र एवं विष्णु भी नहीं। अपार शक्ति के साथ अपार आत्मशक्ति भी है उसके पास। इसीलिए तो कोई भी सहज ही उसे पराजित हो जाता है। देवी देवताओं से लेकर सुर असुर तक, ग्रहों से लेकर नक्षत्रों तक, समस्त ग्रह नक्षत्र उसके समक्ष निर्बल पड़ जाते हैं। देवी माया निर्बल।
ग्रह नक्षत्र भी? हाँ, ऐसा ही तो है वो। परंतु ऐसा क्यों? देवी माया, ये ग्रह नक्षत्र उसी व्यक्ति पर प्रभावशाली होते हैं जिनका आत्मबल निर्बल होता है। किंतु दुर्भाग्य से बाली उस आत्मशक्ति का नाम है जिसके समक्ष समस्त ग्रह नक्षत्र निर्बल पड़ जाते हैं। हाँ, मैं आपका आशय समझ गई देवराहू, आप चिंता ना करें। ये माया भी उस यक्षिणी का नाम है जिसके मायावान से देव भी नहीं बच पाते। इसीलिए तो लेकर आए हैं हम आपको अपने साथ। हाँ, अपने चौसर के पासे की भांति एक विश्वासी पासा बनाकर आपको। हाँ, हम जानते हैं आपको और आपके जादू को भी। संध्या होने को आई, मेरे गुरुदेव के अस्त होने का समय। उनके अस्त होते ही इस बालक की आयु समाप्त हो जाएगी। क्या होगा अब, क्या करूं मैं? प्रणाम ब्राह्मण देव। आइए। अरे अहो भाग्य हमारे जो आप यहां पधारे। आइए, लगता है आप किसी गहरी मंत्रणा में लीन थे। महाराज बाली, हम गहन मंत्रणा में लीन नहीं थे, अपितु चर्चा में तल्लीन थे। अच्छा, तो किसकी चर्चा कर रहे थे आप? आप ही की चर्चा चल रही थी महाराज बाली। हम देवी माया को बता रहे थे कि इस संसार में आपके जैसा राजा कोई नहीं है। हाँ। अच्छा महाराज ब्राह्मण, मैंने भी सुना है कि इस संसार में आप जैसा बुद्धिजीवी कोई नहीं है, और मैं आपसे कूटनीत और राजनीत का ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य चाहता हूं। अवश्य सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा महाराज बाली। अरे, मेरा तो कार्य ही यही है। हाँ, जिस प्रकार हम आपके मित्र केसरी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार हम महाराज केसरी के मित्र बाली का मार्गदर्शन कर लेंगे। कदाचित इसे तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा महाराज बाली। हाँ, बोलिए, क्या सीखना चाहते हैं आप? यहां नहीं ब्राह्मण देव, यहां से कहीं दूर चलते हैं, जहां हमारे ज्ञान के आदान प्रदान में कोई व्यक्ति व्यवधान ना उत्पन्न करे। और वहां पर हम सहज ही आराम से गदा अभ्यास भी कर लेंगे। हाँ हाँ, अवश्य, उत्तम, जैसा आप चाहें। मारुति,
स्वस्थ होने को है। सूर्यास्त होते ही मेरे पुत्र के प्राण निकल जाएंगे, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। महाराज, सर्वप्रथम मैं राजनीत अर्थात एक राजा को राज्य पर शासन करने के लिए किन किन नीति एवं नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है ये बताऊंगा। इस अध्याय से प्रारंभ उचित होगा महाराज बाली। ब्राह्मण देव, आप गुरु हैं, जहां से चाहे जैसे चाहे आप प्रारंभ करें, बस आप करिए। महाराज, राजा के नियम एवं उसकी नीतियों को संकलित कर बनी पुस्तक राजनीति की प्रथम अध्याय का प्रथम नियम यह है कि एक राजा को उसके शासन के दौरान उसकी संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अर्थात एक कुशल राजा वही है जो संवेदनहीन है। यदि स्पष्ट रूप से कहूं तो एक राजा को राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व चांडाल बन अपनी भावनाओं एवं संवेदनाओं को चिता की अग्नि दे देनी चाहिए। हाँ, उसके पश्चात ही उसे राज्याभिषेक का तिलक अपने ललाट पर लगाना चाहिए। महाराज बाली, कूटनीति अर्थात कुटिल नीति, महाराज बाली, कुटिल नीति। यह नीति एक राजा के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी जीवन हेतु सांस। हाँ, एक राजा को स्वयं अपने एवं अपने राज्य के हितार्थ किसी के प्रति कोई भी मार्ग अपनाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। महाराज, चाहे वो मार्ग कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो। ब्राह्मण देव, आप राजा नहीं है ना, इसलिए आपको राजा की पीड़ा का ना तो बोध है और ना ही राजधर्म का वास्तविक ज्ञान। राजा का शक्तिशाली होना आवश्यक है और कूटनीति की तो छोड़ ही दीजिए आप। इसलिए सबसे पहले हमें शक्ति संचय का ज्ञान प्राप्त करना होगा। लीजिए, संभालिए। महाराज बाली, क्या करूं मैं इसका? अब मैं तो शास्त्रों का ज्ञान देता हूं, इसका मेरे हेतु क्या काम? ब्राह्मण, शास्त्र ज्ञान दे रहा हूं मैं। ज्ञान शास्त्र से? शास्त्र से नहीं ब्राह्मण दे, शास्त्र का ज्ञान मैं आपको दूंगा। शास्त्र ज्ञान ताकि भविष्य में आप किसी भी राजा को समस्त ज्ञान एक साथ प्रदान कर सकें। महाराज बाली, मैं आपकी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? शस्त्र उठाइए ब्राह्मण देव, हमारी बात आपको समझ में आने लगेगी। शस्त्र उठाइए, चलिए। महाराज बाली, ये आप क्या कर रहे हैं? आ, 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 आ,
रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं महाराज बाली? ब्राह्मण देव पर प्रहार कर रहे हैं? अच्छा माया, तुम तो हमारे बीच से हट ही जाओ। यदि मुझे अंजना बहन का दुख स्मरण आ गया तो देख रही हो ना, ऐसे ही गदा तुम्हारे ऊपर भी गिरने लगेगा। अब जाओ। तूने जामवन को राज्य से निकलवा दिया, ये उसके लिए। तूने राज्य के षड्यंत्र का आरोप लगाया, उसके लिए। बाली, बाली चेतना में आओ, चेतना में। तुम मुझे भली भांति नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। कपटी ब्राह्मण, तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। राहु, इस समय बाली से बचकर निकलने में ही तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा और न जाने ये कितनी दुर्गति करेगा तुम्हारी। ए, रुक रुक कपटी। समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बालक के जीवन को कैसे बचाऊं? क्या वास्तव में मेरा दिया हुआ वचन विफल हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा।
आज मैं राहू ये प्रण करता हूँ कि मैं एक दिन तेरी कुंडली में भी प्रवेश करूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि तुम मंजना से क्षमा याचना कर उसे अपने साथ अपने राज्य वापस लेकर। क्षमा तो अब आप मांगेंगे महाराज बाली।